तो चलो इस वाले सवाल को देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा था कि अगर हमारे पास यहाँ से टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट है, मतलब बार मैग्नेट ये वाला जो बार मैग्नेट है फर्स्ट, ये वाला बार मैग्नेट है, थोड़ा स्टाइलिश बना देता हूँ, ये बार मैग्नेट B1 है, बार मैग्नेट फर्स्ट है, और ये दूसरा बार मैग्नेट है, दो बार मैग्नेट है फर्स्ट और ये सेकेंड, देर आर टू बार मैग्नेट, और उनके बीच का सेपरेशन कुछ सेंट्रल डिस्टेंस डी दिया हुआ है। अब कहता है गैप बिटवीन द टू मैग्नेट डिस्टेंस वी द फोर्स ऑन ए चार्ज एट क्यू, मतलब इन दोनों बार मैग्नेट के बीच अगर एक चार्ज रख दोगे तो चार्ज प्लस क्यू, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखो जब कभी भी कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू बी बी, यहाँ से साइन थीटा इतना फोर्स लगता है। तो यहाँ से क्यू क्या है, चार्ज, जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड, और भी क्या है उसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है यार, वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, और इनके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर देखो यहाँ से इधर नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इधर से निकल के कुछ, चलो नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ निकल के साउथ को ऐसे जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, कुछ ऐसे बना रही होंगी, ऐसे कुछ, ठीक है। तो हमें कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जब वेलोसिटी ही 0 है, जब वेलोसिटी 0 है तो ये वाली जब वेलोसिटी 0 है तो भी अगर इसमें रखोगे तो फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ कि जो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल होते हैं, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, उसको मैग्नेटिक फील्ड में उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, जब वेलोसिटी ही 0 है। तो ये ऑप्शन अपना सही है यार, थैंक यू। मोशन करेगा तब फोर्स लगेगा, रेस्ट में नहीं फोर्स लगेगा यार, समझे।